and welcome to Bula Beats. I'm your host, Brianna Prasad. We are broadcasting from ancestral traditional territories of Squamish, Catesy, Silvertooth, and Musqueam Nation. We are grateful for the first people of this land to allow us to live, flourish, laugh, and grow. Bula Beats brings you, our viewers, cooking segments, community events, interviews, cultural celebrations, sports, and etc. Congratulations on 40 years of togetherness. Happy wedding anniversary to Arvin and Shabna Prasad. Your 40-year bond has brought so much laughter, commitment, compromise, and passion. Happy anniversary. Campfires are banned in BC as of July 12th and don't know for how long. If you're planning on going to a barbecue or campground, no campfire is allowed. There's a hefty fine and if you're found breaching the campfire rules. BC Children's Hospital reported about 12 young children falling from open windows or doors. Please make sure you get a window guard so that children can't push the windows open and fall down. Take care of your pets and elderly parents during the scorching heat here. Drink plenty of water and stay in the shade and leave your pets at home and do not leave your pets in the hot cars. We'll be right back after these words from our sponsors. क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Dr. Virgie is in the house and he'll be talking about listeria. Two people died from this disease in Ontario. Have a look. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. बहुत दुख भरी खबर है अभी दो व्यक्ति ऑन्टेरियो में लिस्टीरिया LISTERIA जिसको लिस्टीरियोसिस भी कहते हैं उसकी वजह से अपनी जान खो बैठे हैं और कुछ 12 जो हैं इन्फेक्टेड हैं और करीबन 67% जो हैं ये महिलाएं हैं और उनकी अलग अलग एज ग्रुप है और इसका जो सोर्स है वो है कंटेमिनेटेड जो दूध की अल्टरनेट्स होती है जैसे बादाम का दूध बनता है नारियल का दूध बनता है तो सिल्क ब्रांड जो है और वॉलमार्ट का एक ब्रांड है मुझे नाम उसका भूल गया ग्रेट वैल्यू शायद उसका नाम है कुछ 18 प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ कनाडा ने कहा इमीडिएटली मार्केट से वो बंद की जाए अगर आप पर बाय की हैं तो उसको रिफंड के लिए भेज दें या उसको विनाश कर दें वो कंज्यूम ना करें डेनॉन DANON कंपनी है जो सिल्क के प्रोडक्ट बनाती है बहुत सारे लोग हैं जो गाय का दूध नहीं पीते हैं कुछ भी वजह हो सकती है कई को एलर्जी हो सकती है लैक्टोस इंटॉलरेंस हो सकता है या उनकी मर्जी अभी हमें गाय का दूध नहीं पीना इसलिए ये दूध पीते थे जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में बादाम का दूध और नारियल का दूध बनता तो ऐसा प्रतीक होता है अभी जो उनके जो प्लांट्स थे जहां पर प्रोसेसिंग होता था उसमें कॉन्टेमिनेशन हो चुका है जिसकी वजह से ऐसा हुआ अब जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन्स LISTERA MONOCYTOGENS एक एक बैक्टीरिया है जो फूड के माध्यम से या किसी का पशु का जो फीसिस है टट्टी है उसके माध्यम से हमारे अंदर जा सकता है और अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है थोड़ा उल्टी होने को हो सकता है पेट में क्रैम्प हो सकता है डायरिया हो सकता है और बहुत अच्छी बात यह है अभी बहुत सारे लोग इसको हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो खास करके जो छोटे बच्चे हैं फिर मैं बोलूंगा 3-4 साल के नीचे या जो बुजुर्ग हैं 65 के ऊपर या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या इम्यूनो सप्रेसेंट दवा ले रहे हैं कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है उनमें ये बैक्टीरिया इन्वेजिव हो जाता है पूरी बॉडी में फैल जाता है अगर ये फैल जाए तो फिर ये बहुत डेंजरस है आपके ब्रेन को इन्फेक्शन कर सकता है किडनीज को लिवर को मेरी पुराध है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से ये दो मौतें हुई हैं ये प्रिवेंटेबल थी ये पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे लोग अब बात ऐसी है भी ये जो बैक्टीरिया है अगर हम सिल्क ब्रांड का ही दूध का बात करें
तो जैसे आपका मालूम है, अगर कोई चीज खाने वाली बासी हो जाती है तो उसमें स्मेल और टेस्ट में फर्क आता है, लेकिन लिस्टेरिया में ऐसा नहीं होगा। लिस्टेरिया अंदर होगा लेकिन आपका जो स्मेल है और टेस्ट उसमें कुछ आपको पता नहीं लगेगा और कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा फूड में। और बहुत लो टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। जैसे हम फ्रिजेस में रखते हैं, उसका मेन मनोरथ तो यही है ना, बैक्टीरिया फंगस या वायरसेस फूड में ना आए, लेकिन ये बहुत सारा लो टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाता है। तो इसलिए हम पहली बात तो ये भी घर में जो खाना है उसको अच्छी तरह साफ वाफ करके, जो सब्जी भाजी हम बाहर से खरीदते हैं फिर उसको बनाना है ना, जो रॉ प्रोडक्ट्स है उससे भी हो सकता है। कभी कभार हम सैलड्स पे भी देखते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है उससे देखते हैं, लेकिन इस बार जो सिल्क ब्रांड का जो नॉन डेयरी मिल्क था उससे ज़्यादा ये समस्या आई है। और दुर्भाग्य की बात यह है भी बहुत सारे लिस्टेरिया का जो इन्फेक्शन है वो तुरंत भी पता लग सकता है और कभी कभी 70 दिन बाद भी हो सकता है, तो 2-2.5 महीने बाद भी इसके लक्षण आ सकते हैं अगर आज मैंने वो कंटेमिनेटेड दूध वगैरह पिया है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो आने वाले 2-1 महीने तक आपको सुचेत रहना चाहिए अगर आपने वो ब्रांड की चीजें कंज्यूम की है, और अगर आपके घर में है तो प्लीज कंज्यूम ना करें, और आपको फुल रिफंड मिल सकता है या आप डिस्पोज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होते हैं उनमें 3 बैक्टीरिया हैं जो उनको तंग करते हैं, एक है ग्रुप बी स्ट्रेप, दूसरा है ई कोलाई और तीसरा लिस्टेरिया ही है, जिससे साथ में बहुत सीरियस इन्फेक्शन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी हो सकता है। अगर मदर के स्टूल में है, वो डिलीवरी की है, तो बच्चे को कंटेमिनेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सब बातें जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, कई कई बार प्लांट्स में गलतियां होती हैं, तो ये जो प्रोसेसिंग प्लांट थे इस दौरान शट हैं, उनको अच्छी तरह साफ किया जाएगा, सेफ्टी रेगुलेशंस और जो रेगुलेटर्स हैं फिर दोबारा चेक करेंगे। लेकिन मेरी मुराद यही है भी बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, फैक्ट्री से बना फूड कम लें, और घर का ही जो खाना है बहुत बढ़िया होता है। और मैं आस करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कमिला जी, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Dr. Burji. Have your pen and paper ready. Here are some events that you would like to participate in. Bula Rugby is taking place on August 17th and 18th in Delta, BC. There will be over 25 rugby teams from all across Canada will be participating at this event. For sponsorship and more information, please call Sila at 778-713-2418. Anime Revolution will be rocking Vancouver Convention Centre from August 9th until 11th. Please get your tickets ahead of time so that you don't have to regret. Anime Revolution is a Japanese cultural event that is very popular in Japan. Some of the artists are arriving in Vancouver from Japan to participate at this cultural show. For tickets and more information, please visit the website at www.animecoms.com. Angel Music Productions is doing their summer bash on August 4th at Punjab Banquet Hall in Surrey. For tickets and more information, please contact Mike Singh at 604-818-9504. Keep your family, seniors, and pets safe the scorching heat that we're having. Try staying indoors, and if you plan on going out, make sure you put on lots of sunscreen, over 40 SPF, and keep applying it as many times as needed. Keep yourself cool by drinking plenty of water, and the same applies for your pets as well. Keep changing their water container and filling it up with cold water. The 13th Annual Missouri Begum Festival is taking place at the Macy Theatre on September 28th, starting at 6 p.m. For sponsorship and more information, please call Cassius Khan at 604-375-6515. If you have any events that are taking place and you'd like for us to promote your events, please send us all the information at asianpulse@gmail.com. We'll show you some highlights of a video by our field reporter, RJ Cushy, at Fiji Seniors Picnic, which took place at Bear Creek Park in Surrey. Namaskaram sabhi ko. Main Naraini Reddy, Sangam Senior Society ke Vice President. Aaj main log yahan par sabhi members, life members, members ko aur saath mein family ke invite kiya tha Bear Creek Park mein. Bahut acha sa hua sabhi kuch. और काफी जन आया, एंजॉय किया, गाना रहा, बजाना रहा, नाच रहा, सभी कुछ रहा, अच्छा लगा देखने में। हमारे संगम सीनियर सोसाइटी में जब भी कुछ मैं लोग करता हूँ, काफी लोग आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं,
आज खुशी जी आए हैं यहाँ पर, मैं लोग के सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी आपको भी और जितने भी हमारे लाइफ मेंबर्स हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स यहाँ पर आए हैं, सभी को मेरी ओर से हमारी बोर्ड डायरेक्टर्स की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी, आपने जो यहाँ आकर अपना समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, यहाँ बहुत ही अच्छा था ये जो इवेंट हुआ था, अभी तो फिनिश हुआ, अब मैं छोटी सी क्लिप जो है वो उसको पोस्ट करूंगी। थैंक यू अगेन आप लोगों को जो आपने इतना टाइम निकाल कर जितने भी मेंबर्स है आप लोगों ने, कभी भी कुछ करते हैं हमारे काफी लोग आकर सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ इसी तरह सभी आए और हम लोग की सपोर्ट करे। मैं लोग साल में 2-3 बार ऐसा करता हूँ खुशी जी हाँ बहुत अच्छी तरह से होता है आपका जो इवेंट होता है, आप लोग जो सीनियर्स है बहुत अच्छी तरह से इवेंट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जितने भी लोग आते हैं सभी बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर सो मच। संगम सीनियर सोसाइटी के जितने भी बोर्ड डायरेक्टर्स है या लाइफ मेंबर्स है, कोई भी आ सकता है हमारे साथ केक काटने का। केक लाने वाला है मानसी, मैं लोग को डोनेट किया था कि आज शुभ अवसर पर हम सब एक केक काटने की कृपा करें। आप हमारे जितने भी डायरेक्टर्स है, बोर्ड डायरेक्टर्स, मेंबर्स, कोई भी आ सकता है हमारे साथ। मैं प्रेसिडेंट से आग्रह करता हूँ अन्ना गुप्ता को, वो भी आ जाए। सीनियर्स के लिए वो आकर बोल सकते हैं या तो हम माइक वहाँ ला के दे सकते हैं आपको। प्यारे भाइयों और भाभियों, मामा और मामियों, अरे इसके देख लो, जैसे अभी आप लोगों ने देखा नहीं, मैं कुछ फोटो उतार रहा था ना, कुछ फोटो ले रहा था। ये फोटोग्राफी जो है मेरा बचपन का हॉबी है, अभी तो बुरा हो गया, अभी तो जवानी चढ़ा है। एक लाइफ घटना मैं आप लोगों को बताऊं, पीजी की बात है, जब गांव में जब शादी होती है तो लोग कैमरा लेकर जाते हैं फोटो उतारने के लिए बुला दुल्हन को ना, तो उस समय जो फोटोग्राफर है उसको फ्रंट लाइन में जाने का मौका मिलता है, ताकि जहाँ पे लेडीज लोग रहते हैं, लड़की लोग रहते हैं, फोटोग्राफर को ओपन देता है कि जहाँ चाहिए जो चीज चाहिए किसी को किसी भी एक्शन में करा करके फोटो उतारा। एक शादी में मैंने गया फोटो उतारा, जब दुल्हन के 2-3 शॉट बचा था उस समय कैमरा 1.35 रोल फिल्म लगता था, तो मैंने कुछ शॉट बचा लिया कि घर पे जाके उतारेंगे, तो मैं जाकर एक कोना में बैठ गया। दुल्हन विदा हो रही थी,
आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग दुल्हन बने हैं और सभी लोग विदा हुए हैं और सभी लोग रोए हैं। दुल्हन जब विदा होती है बड़ी इमोशनल होती है ना, तो एक दूसरे को पकड़ कर रोते हैं, माता पिता बहनों भाई सभी को पकड़ कर रोते हैं। इतनी बड़ी क्राउड था, मैं कोना में बैठा था, एक बूढ़ी मुझे बुलाया कि वहां पर आप कैमरा लेके चम चम इधर लड़कियों को फोटो उतारते थे, अभी क्यों नहीं फोटो उतारते? तो बड़ा इमोशनल था, उसने मुझे बुलाया यहाँ उतारो फोटो। इतने लोग दुल्हन को घेर के खड़े हैं और मैं कैसे जाऊँ? मैं अपना जगह बनाकर ट्राई करता हूँ कि फ्रंट में जाने के लिए। एक बच्ची मेरा फ्रेंड खींच रही थी, मैंने सोचा कि वो भी देखना चाहती है, मैंने बोला बिटी आप कह रहे हो लेट मी तब फोटो उतारने की मौका दो। बोला नहीं अंकल मुझे ही बताओ, मामी रो रही है, पप्पा रो रही है, पुप्पी रो रही है, दीदी रो रही है, काकी रो रही है, भाई रो रही है, भाभी रो रही है, वो दूल्हा क्यों नहीं रो रहा है? वो ये बात है अपना बेटा, आप लोग आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम अंकल क्या बात है, सभी लोग रो रहे हैं वो दूल्हा क्यों नहीं रो रहा है? हम लोग बेटा हिस के हिस्सा में अभी ये लोग रो रहे हैं, थोड़ी देर ये रो रहे हैं, ये एक चल सकते बोल रहे हैं। थैंक यू, अपना अपना ख्याल है ना, तो जो जो शादी शुदा लोग हैं उनको मालूम है शादी करने के बाद। How was Fiji? It was good. दो दिन का फिजी जैसा इवेंट होगा, जरूर आइए, एंजॉय करिए, खाना पानी खाइए और मैच करिए रात भर। ओके थैंक यू। ऑगस्ट 10 एथलेटिक पार्क, न्यूटन एथलेटिक पार्क, ओके बड़ा पार्क है, सोका फील्ड सब कुछ है, सो ऑगस्ट 10 एंड 4th। थैंक यू, थैंक यू केविन चैन फॉर
that was interesting. Did you enjoy it? Yeah. Laura. So, we got over here so many people. This is a request. Anybody has got any talents can come along and make anything people happy. Clean up time. कैसे इवेंट कैसे रहा कैसे रहा आपका इवेंट जो अच्छा रहा अच्छा से हुआ सब कुछ आप भी कुछ सभी ना अच्छे से ढेर लोग आए थे थैंक यू थैंक यू सम ग्लिम्प्स ऑफ फ्यूजन फेस्टिवल इन सरी विद आवर फील्ड रिपोर्टर आरजे कुशी. And that's why our government has committed to make sure that we're supporting the people of Surrey in this fast-growing city, right up the valley, building the Surrey Langley Sky. Like this. And look. We are at the Fijian Festival, and the parades are happening of different countries. So hopefully you guys will enjoy it. And I am standing near the Fiji tent.
Grant Murray, Senior Vice President of Concord Pacific, who is the sponsor of our stage right here. That's all the time we have for today. You can watch Bula Beats again on Sunday at 4:30 p.m. Please like and subscribe and ask your family and friends to watch it too. Bula Beats brings three other shows, Asian Pulse TV on every Wednesday at 2:30 p.m., Thursdays at 8:30 p.m., and Fridays at 2:30 p.m., as well as Saturdays at 5:30 p.m. Fijian Focus on every Tuesday at 10 p.m., Thursdays at 2:30 p.m., and Sundays at 4 p.m., as well as the Kamala Singh Talk Show on every Monday at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. Before I leave, I'll leave you with these thoughts. The people who deserve to be in your life are the ones that treat you with love, kindness, and total respect. From our team at Bula Beats, take care of yourself and each other, stay hydrated, and drink plenty of water. Until we meet again, I'm your host, Brianna Prasad. Vinaka.